नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की पांचवी तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस तीन वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले चार राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। तीन दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है, यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच
आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है। लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बीते वर्षों में देश ने ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों की, डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक, आयुष्मान भारत योजना से लेकर
उज्ज्वला तक, हर घर जल से लेकर हर गरीब को बैंक खाते तक, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूं तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमने सैचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को शत प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प अपने आप में बहुत विराट है। सैचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे ये सुनिश्चित करना, यही तो है सबका साथ सबका विकास। जब सरकारी मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो फिर पक्षपात भेदभाव टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये सेवा भाव अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये संदेश लेकर घर घर जाना है, सबको जागरूक करना है। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो, भेदभाव भ्रष्टाचार ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को ना सिर्फ टक्कर दी है बल्कि इसके नुकसान देशवासियों को समझाने में भी सफल रही है। भाजपा की नेक नियत, नेक इरादों से किए जा रहे कार्य, उसे इसलिए जनता से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्ठा अंत्योदय में है, गरीबों दलितों पिछड़ों महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना ये हमारी पार्टी के मूल संस्कार है। इसलिए आज दलितों पिछड़ों आदिवासियों किसानों नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है भाजपा का विजय तिलक करने के लिए सबसे आगे हमारी माताएं बहनें आती हैं। ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है, एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है
जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। देश ने महिलाओं को नए अधिकार दिए, सुशासन और कड़े कानूनों से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता, गैस, बिजली, राशन की चिंता, इनके जरिए देश ने उनका जीवन बदला है। आज देश की नारी शक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है, आर्थिक फैसलों में उनकी जो सहभागिता बढ़ी है, वो भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनकी सक्रियता बढ़े, ये विश्वास बढ़े, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्रभक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं अपना बलिदान तक देना पड़ा है। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और ये महासंघर्ष
ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते। साथियों, आज पार्टी के स्थापना दिवस पर मेरा एक आग्रह आपसे, नमो ऐप पर कमल पुष्प मॉड्यूल से जुड़ने का भी है। जिन अनगिनत लोगों ने पार्टी के लिए, देश के लिए खुद को खपा दिया, तीन तीन चार चार पीढ़ी खपा दी, ये कमल पुष्प उनको समर्पित है। कमल पुष्प एक तरह से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का पुष्प है। कमल पुष्प को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपको हर जीवन गाथा, एक से बढ़कर एक जीवन गाथा, उससे नई ऊर्जा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। साथियों, आज देश जमीन से जुड़े तमाम अभियानों को आगे बढ़ा रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर उनके सारथी आप ही हैं। अभी कुछ दिन बाद ही ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती है। पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि इस अभियान में सक्रियता से जुड़े। सरकार गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रही है, जो प्रयास कर रही है, उनके प्रति देशवासियों को जागरूक करें और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे जो आदेश करेगी, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में पूरी मेहनत करूंगा। आपका साथी कार्यकर्ता होने के नाते यही मेरी आपसे भी अपेक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसी तरह राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अनवरत लगे रहेंगे। आपके प्रयासों से देश अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देश भर के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन।